आज का हमारा टॉपिक है नॉन फाइनेंशियल एंड नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स प्रीवियस क्लास में हमने फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के बारे में बात की थी और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव या नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन के तरीके भी बोल सकते हो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव जो है वो किसी भी तरीके से डायरेक्टली पैसे से जुड़े नहीं होते बट कहीं ना कहीं इसका जो संबंध होता है वो टॉप हर्र की नीड के लिए होता है आपको याद होगा मसलों नीड हर की में, हमारे पास जो टॉप हर की थी उसके अंदर सोशल स्टीम एंड सेल्फ एक्चुलाइजेशन नीड होती थी तो उन्हीं नीड के लिए हमारे पास नॉन फाइनेंशियल और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव को इस्तेमाल किया जाता है अकॉर्डिंग टू डूविंग के अकॉर्डिंग नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन आर इन फॉर्म ऑफ टल रिवॉर्ड यानि एक पर्सन को मेंटली ये फील हो कि वो अवॉर्डिड हुआ है रिवॉर्डिड हुआ है तो ऐसे ही हम इंसेंटिवस को नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिवस कहते हैं इन दी ओपीनियन ऑफ कैस्टर के अकॉर्डिंग इट इज़ ए कॉमन फीलिंग दैट मेटीरियल अवार्ड्स लाइक मनी बिकम इन एफेक्टिव आफ्टर सर्टन एक्सटेंट नीड हर की मॉडल में हमारे पास जो पहली दो बेसिक नीड थी बेसिक नीड को पूरा करने के लिए बाकी के जो आगे तीन नीड्स होती हैं उनको हम मनी से पूरा नहीं कर पाते तो इस वजह से यहाँ पर यही कहा गया कि एक टाइम के बाद वह जो मनी है वो हमारे लिए इनफेक्टिव हो जाता है किसी को मोटिवेट करने के लिए तो वहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की तो हम किस तरीके से किसी पर्सन को किसी एम्प्लॉय को एक ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट कर सकते हैं तो देखिए सबसे पहला हमारे पास तरीका है स्टेटस स्टेटस क्या है पोजीशन और रैंक एक पर्सन का रैंक और पोजीशन है जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वो प्रोसेस करता है वो रैंक और पोजीशन हायर हो सकती है या लो हो सकती है और रैंक से या पोजीशन से कुछ चीज़ें डायरेक्टली रिलेटेड हैं जैसे उस रैंक की उस या की अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको अदर क्या फैसिलिटी मिली हुई है जैसे कोई सेपरेट कैबिन मिला हुआ है या फिर कॉस्टली फर्नीचर मिला हुआ है कार मिली हुई है पी मिला हुआ है पी मिला हुआ है एक्सेट्रा वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और हर किसी की दिल से ख्वाहिश होती है कि वो हायर स्टेटस नीड को पूरा करे देर फॉर एम्प्लॉयज़ कैन बी मोटिवेटेड इस तरह से हम एम्प्लॉज को मोटिवेटेड कर सकते हैं उनके रैंक को अच्छे रैंक को अच्छी पोजीशन को देकर और इस तरह से अटेंशन और हायर स्टेटस फुलफिल्ड जो एक साइकोलॉजिकल और सोशल एंड स्टीम रिलेटेड नीड है उसको पूरा किया जा सकता है सेकंड हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंट भी हम पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट वो है जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वर्किंग सिस्टम है वो कैसा है यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का वर्किंग क्लाइमेट कैसा है वर्किंग क्या रहेगा एक पर्सन को कैसा फील होता है वर्किंग सिस्टम विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट है ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट में वो सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का सिस्टम है इसके अंदर एक इंडिविजुअल की फ्रीडम रिसिप्ट ऑफ अवार्ड्स इम्पोर्टेंस ऑफ द एम्प्लॉय इन सभी को शामिल किया जाता है एवरी एम्प्लॉय लाइक वर्क इन द बेटर ऑर्गेनाइजेशन अगर वो बैटर ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो वो बैटर फील करता है बैटर क्लाइमेट में अगर काम करेगा तो बैटर फील करेगा और वो मोटिवेटेड भी रहेगा मैनेजर कैन मोटिवेट द एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग बैटर ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर का वातावरण को अच्छा करके वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉयज़ को बैटर फील करवा सकता है एक मैनेजर तो हमारे पास है कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी जो थर्ड रहेगा हमारे लिए कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी क्या है जो हमारे पास लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे देखिए आपने सुना होगा जब हमारा करियर का ग्राफ आगे बढ़ता है तो इस तरह सीढ़ी नुमा है हम एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ते रहते हैं और आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं तो हमारे पास इस तरह से करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी है अगर आप किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो जहाँ पर आपका करियर का ग्राफ कहीं पर नहीं बढ़ता आप वहीं पर स्टे करोगे पूरी उम्र तो आप यहाँ पर लेस मोटिवेटेड फील करते हो क्योंकि आपको आगे जाने की कोई जगह नहीं मिल रही है बट दूसरी तरफ जहाँ पर आपके करियर के एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हैं तो आप उसमें ज़्यादा अच्छा फील करोगे क्योंकि आपको पता है एक टाइम के बाद आपको वहाँ पर अच्छा काम और अच्छी पोजिशन हासिल कर लोगे तो एवरी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन वन टू एडवांस इज लाइफ अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहता है एक प्रमोशन ही इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है प्रमोशन से अब दूसरी बात प्रमोशन नहीं है तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से वो नई नई चीज़ें सीखता रहता है इससे उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है और ये भी एक तरीका है करियर को एडवांसमेंट करने का द मैनेजर कैन क्लियर देयर वे ऑफ प्रमोशन बाय प्रोवाइडिंग देयर फैसिलिटीज़ इस तरह से वो फ्यूचर में किस तरह से प्रमोट होंगे वो आगे कैसे बढ़ेंगे ये फैसिलिटीज़ देकर भी एक मैनेजर प्रमोट कर सकता है उसकी करियर एडवांसमेंट दे सकता है इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को एक अच्छा एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो वो मोटिवेटेड रहता है बेटर अपने करियर को बनाने के लिए आगे है जॉब इन्रिचमेंट इनरिचमेंट का मतलब क्या होता है इंक्रीजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क किसी वर्क की इम्पोर्टेंस को बढ़ाना किसी पर्सन की वैल्यू अपने आप ही बढ़ जाती है जब उसके द्वारा किए गए वर्क की इंपोर्टेंस बढ़ जाती है हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी इंपोर्टेंस को कैसे बढ़ा सकते हैं उसे अथॉरिटी देकर रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर एंड ए वाइड स्कोप फॉर चैलेंजेस जहाँ पर उसके काम करने में अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस वो फेस करेगा तो इससे उसकी इम्पोर्टेंस इनरिचमेंट हो जाता है देयर शुड बी ए नीड ऑफ हायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस उस पर्सन के काम करने के लिए उसे अच्छी नॉलेज की ज़रूरत है उसे अच्छे एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो अपने आप ही उसका जॉब इनरिचमेंट होगी क्योंकि एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो उस काम की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है तो उस काम की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हायर नॉलेज लेवल और एक्सपीरियंस लेवल भी जॉब इनरिचमेंट का काम करती है दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल डिवेल्पमेंट जहाँ पर पर्सनल डिवेल्पमेंट जो है शुड भी अवेलेबल उसको अवेलेबल करवाई जाती है देर शुड भी एब्सल्यूट फ्रीडम टू टेक डिसीजन और उस पर्सन के पास एबसल्यूट बिल्कुल पावर है कि वो अपने आप से डिसीजन ले सकता है दी एम्प्लॉय फील प्राउड टू गेट इंग सच आ जॉब और इस प्रकार का काम प्राप्त करने पर रिसीव करने पर जैसे उसे इस प्रकार का जॉब मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं तो ये भी एक रीज़न है जिस तरह से हम उस पर्सन को मोटिवेट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा मोटिवेटेड फील करेगा और ज्यादा ऑटोमेटिकली वो मोटिवेटेड हो जाएगा जब हम उसकी जॉब इनरिचमेंट करेंगे आगे हमारे पास है एम्प्लॉयज रिकग्नेशन प्रोग्राम यानी एक ऐसा काम करना जिससे उस पर्सन की वैल्यू बढ़े उसको रिकग्निशन मिले उसको पहचान मिले एवरी एम्प्लॉय विश टू बी कंसिडर एज ए इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और उसे जब ये फील होगा ना कि मेरी इंपॉर्टेंस इस ऑर्गेनाइजेशन में है तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा इट मीन दैट इट शुड हैव हिज ओन आइडेंटिटी उसकी पर्सन की कुछ आइडेंटिटी होनी चाहिए एंड शुड बी अपीयर टू बी डिस्टिंक्टिव तो वो कुछ अलग सा फील होना चाहिए जिस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए गए एक पर्सन को कॉन्ग्रेचुलेटिंग बोला जाता है इम्प्लॉयज टू गुड वर्क परफॉर्मेंस अगर वो अच्छा काम करता है तो उसे अच्छा फील करवाने के लिए उसे बार बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जाता है सभी उसको यहाँ पर बधाई देते हैं जिससे उसको एक रिकोगशन रिसीव होती है उसके अलावा डिस्प्लेइंग एम्प्लॉयज़ अचीवमेंट इम्प्लॉयज अचीवमेंट को डिस्प्ले किया जाता है ऑन द इंफॉर्मेशन बोर्ड एंड पब्लिशिंग दैम टू न्यूज़ मैगजीन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में न्यूज़ में मैगजीन में वो तरह तरह से पब्लिश करवाए जाते हैं बींग ए स्टूडेंट आपने भी देखा होगा जब भी आप किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो स्कूल की तरफ से वो नाम न्यूज़ के लिए जरूर जाते हैं जब आप अच्छा अचीव करते हैं तो न्यूज़ के लिए जरूर जाते हैं और जब आप अपना नाम न्यूज़पेपर में देखते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं आप रिकग्नाइज महसूस करते हैं अपने आप को तो यही यही काम हम अपने लोगों के साथ भी कर रहे हैं तो यही काम हम अपने इंप्लॉज़ के साथ भी कर रहे हैं तो हम उसे क्या महसूस करवा रहे हैं रिकग्नाइज महसूस करवा रहे हैं अवार्डिंग सर्टिफिकेट टाइम टू टाइम अलग अलग प्रकार के सर्टिफिकेट देना और उसके अलग अलग प्रकार के बेटर वर्किंग परफॉर्मेंस के लिए उसको अवार्ड देना इससे भी क्या होता है उसको रिकग्निशन मिलती है प्रजेंटिंग मेमटोस एंड ऑनरिंग दी ऑफरिंग वैल्यूएबल सजेशन उनके वैल्यूएबल सजेशन को हम मांगें कि आप किसी चीज़ के बारे में सुझाव दें जब हम उनको ऐसा करने के लिए बोलते हैं तो वो भी प्राउड फील करते हैं इस तरह से हम उनको रिकग्निशन प्रोग्राम देते हैं आगे देखिए हमारे पास है जॉब सिक्योरिटी ये हमारे इंडिया में बड़ा इशू है इसी वजह से हर कोई क्या चाहता है गवर्नमेंट जॉब चाहता है गवर्नमेंट जॉब चाहता है हर कोई क्यों क्योंकि वहाँ जॉब सिक्योरिटी आ जाती है जॉब सिक्योरिटी का मतलब है इस प्रकार की फीलिंग कि वो परमानेंस है और वो स्टेबल है एक एज के बाद हर पर्सन चाहता है कि लाइफ में थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाए जिससे उसे बार बार जॉब ढूंढना बार बार सेटल होने में दिक्कत आती है उन चीज़ों से वो बचना चाहता है तो वो क्या चाहता है एक जॉब सिक्योरिटी परमानेंसी चाहता है काफ़ी बार आपने देखा होगा कम पैसे में भी लोग काम करते रहते हैं क्यों क्योंकि वहाँ पर जॉब सिक्योरिटी है एग्जाम्पल भी इसी तरह का दिया गया है इफ़ एन एम्प्लॉय हैज़ ए सेंस ऑफ फियर एंड इन इन हिज माइंड ही कैन बी रिमूव फ्रॉम दॉब एंड एट एनी टाइम कि उस पर्सन को किसी भी वक्त हटाया जा सकता है तो उसके वो पूरे दिल से काम नहीं करेगा अगर वो दिल से काम नहीं करेगा तो यहाँ पर परफॉर्म भी अच्छा नहीं करेगा और दूसरी तरफ अगर एक पर्सन ये महसूस करता है कि वो परमानेंट है और कोई भी उसे रिमूव नहीं करेगा तो वो ज़्यादा अच्छा फील करेगा और वो ज़्यादा दिल से काम करेगा उसको उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी क्योंकि वो जानता है कि मैं यहाँ परमानेंट हूँ उसको एक हिस्से की तरफ सोचने की ज़रूरत नहीं है बट इसकी एक नेगेटिव साइड ये भी है कि काफ़ी बार ये हो जाता है कि उसे पता है कि कोई उसे रिमूव नहीं कर सकता तो ऐसे में वो काम ही नहीं करेगा उसे लगता है कि कोई रिमूव नहीं करेगा तो वाई शुड आई वर्क मुझे काम ही नहीं करना चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब में ऐसा नॉर्मली देखा भी गया है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं वो लेथार्ज एक टाइम के बाद इस वजह से हो जाते हैं क्योंकि उनको काम करने पर एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा और काम ना करने पर डेप्रिसिएशन भी नहीं मिल रहा तो किसी तरीके से काम ना करने पर उसे कोई भी यहाँ पर उसको निकालने वाला नहीं है उसकी जॉब परमानेंसी बहुत अच्छी हो गई है इस वजह से वो थोड़ा आलस्य दिखाता है थोड़ा लथार्ज हो जाता है उसके बाद हमारा एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इसी के बारे में थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि हम उसे बोलते हैं भाई साहब बताइए आपका क्या सुझाव है इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में वो सजेशन देते वक्त बड़ा ही प्राउड फील करता है कि मेरा सुझाव लिया जाता है किसी मंजीरियल डिसीजन में उसको जब पूछ लिया जाता है तो उसे बड़ा अच्छा प्राउड फील होता है कि मैनेजमेंट में मेरी चलती है ऐसा कुछ बात से हो जाता है एम्प्लॉयज़ गेट इनकरेज टू नोट इस दियर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट वर्क मैनेजमेंट वर्क में जब वो पार्टिसिपेशन करते हैं तो वो अच्छा फील करते हैं और उनको अच्छा फील करवाने के लिए हमें इतना थोड़ा पूछ लेना चाहिए देखिए एक मैनेजर को वो डिसीजन जो लेना है वो खुद से ही लेना है बट इसको जो एम्प्लॉय को वो पूछ लेने से उसको मोटिवेशन जरूर कर देता है हालांकि एट द एंड ऑफ द स्टोरी अगर इम्प्लॉय ने अच्छा सजेशन दे दिया तो वो उसे मान लेगा अगर नहीं दिया तो नहीं मानेगा अगर वो अच्छा सजेशन था और उसे अप्लाई भी कर दिया गया तो एम्प्लॉय मोटिवेटेड जरूर हो जाएगा तो ऐसे में अगर आप एक मैनेजर हैं तो आप अपने एम्प्लॉय से ज़रूर पूछें ज़रूर बात करें हो सकता है वो अच्छा सजेशन मिलने पर वो मोटिवेट हो जाए और अगर नहीं मिला तो आप कोई दिक्कत नहीं है वो तो आपकी बन के चलाएंगे ही तो आपको एक अच्छा ये एक एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन जरूर करना चाहिए इसके बाद हमारे पास लास्ट एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब वैसे जैसे आजकल नारी शक्ति वुमन एम्पावरमेंट चला वो मीन्स फ्रीडम टू टेक डिसीजन हमें यहाँ पर एम्प्लॉय को कुछ डिसीजन लेने की पार देनी चाहिए वन डिसीजन मेक पावर ऑफ द इम्प्लॉयज इंक्रीज तो यहाँ पर क्या होगा वो कुछ काम करेगा तो वो कंसिडर महसूस करेगा डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क कि वो कुछ इम्पोर्टेंट काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और उसे मोटिवेटेड फील होगा इस तरह से हम उसे मोटिवेटेड फील करवा सकते हैं मोटिवेटेड फील करवा सकते हैं विद हेल्प ऑफ एम्पावरमेंट उसे कुछ डिसीजन टेकिंग पार देकर तो आज की थी ये हमारे पास नॉन फाइनेंशियल नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और फिर मिलते हैं किसी और क्लास में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड है पीस